हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग अगर अपने फ़ोन में मीशो का एप्लीकेशन अगर लॉगिन किए हुए हैं, मीशो में अगर अपना आईडी लॉगिन किए हुए हैं उसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों लॉग आउट करने का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप अकाउंट ऑप्शन में अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सेटिंग है और मीशो से रिलेटेड और भी यहाँ पे यानी जो ऑप्शन होता है वो दिए हुआ है, लेकिन सेटिंग में एक के अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए लॉग आउट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, मैं लॉग आउट करने का एक ऐसा आसान सा तरीका निकाला हूँ जो आप लोग भी कर सकते हैं। तो क्या करना होगा आप लोग को, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ से मीशो है उससे आपको बैक जाना पड़ेगा। मीशो से बैक जाने के बाद आपको सेटिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ऐप्स यहाँ पे ढूंढिए जो आपके फ़ोन में होगा, या ऐप मैनेजर ढूंढिए आपके फ़ोन में होगा, आपको जो जो भी होगा पहले मैं बताता हूँ। जैसे कि ऐप्स जैसे आप ढूंढिएगा तो ऐप्स को क्लिक कीजिए। ऐप्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर ऊपर में एक ऐप्स आ रहा है तो उस पर जाइए। इस पे जाने से यही यानी यही होता है कि यहाँ पे जितना आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको जाना पड़ेगा मीशो, यहाँ से ढूंढिए मीशो कहाँ पे है तो पहले देखिए। तो अगर नहीं मिले तो आपको इसमें मीशो लिखना पड़ेगा, मीशो को ढूंढिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टोरेज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक स्टोरेज हो रहा है और यहाँ पे डाटा यूजेज है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे लिख रहा है कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटिंग होने के बाद यहाँ पे स्टोरेज जो लिए होगा वो लिखेगा। जब तक हम डाटा यूजेज है उसमें चलकर यहाँ पे देखते हैं जो जो डाटा यूज होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी मिलती है। लेकिन बैक चलते हैं और जो स्टोरेज है कंप्यूटिंग लिख रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया इंटरनल स्टोरेज 53 यानी MB लिया है, 53 MB लिया है। तो आपको इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए क्लियर कैच और क्लियर डाटा है, तो आपको क्लियर डाटा करना पड़ेगा। डिलीट कर दीजिए क्लियर डाटा पे जाके और फिर से यहाँ पे देखिए क्लियर कैच है, क्लियर कैच ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप जाइए बैक, बैक जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा फिर से मीशो एप्लीकेशन में। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बैक चले, ठीक है। तो यहाँ से आ गया बैक और आप देखते हैं मीशो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। मीशो एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो ये फिर से देखिए यहाँ पे किस तरह से आ रहा है। जैसे कि आप लोग जब लॉगिन किए होंगे तो कुछ इस तरह से आया हुआ, तो दोस्तों फिर से वो उसी तरह से आ गया जिस तरह से आपको पहले मिला था। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी मेरा जो उस समय नाम लिखे हुआ था यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, यानी कि जो फिर से न्यू हो गया और जो आपका जो यहाँ पे आईडी इसमें लॉगिन था वो लॉग आउट हो चुका है। तो यही तरीका है आपको लॉग आउट करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।